नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज टॉप 10 में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। ग्वालियर में युवक ने बस में लगाई फांसी, पिता ने लगाया था हत्या का आरोप। कानपुर में पटेल मैरिज हॉल के सामने एक माह से करीब खड़ी बस में बड़ागांव निवासी निखिल यादव ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, रायसेन में बारिश। एमपी के 27 जिलों में आंधी, बारिश और कोहरा। ग्वालियर, नौगांव में सबसे ज्यादा ठंड। 24 घंटे में कुल 27 जिलों में हल्की बारिश हुई है। इंदौर में केसरिया दूध की कहानी। अटल जी से लेकर गुलजार तक रहे हैं मुरीद। 50 पैसे से 65 रुपए गिलास पहुंची थी कीमत। इंदौर में स्वर्ण रथ पर निकले रणजीत हनुमान। प्रभात फेरी में 1,00,000 श्रद्धालु हुए शामिल। 1,00,000 से ज्यादा भक्त प्रभात फेरी में चले। 10:15 पर रणजीत हनुमान मंदिर पहुंचे। इस बार यात्रा भगवान राम को समर्पित रही है। पुलिस कस्टडी में मौत के पहले का वीडियो। युवक बोला, क्यों खाया जहर? परिवार वालों का सवाल, रात में जहर कहां से आया? 20 साल के करण मोगिया के पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। उस पर नाबालिग लड़की के अपहरण का केस दर्ज किया गया था। लेबर रूम में गर्भवती की मौत। नर्स हुई सस्पेंड। परिजन बोले, इलाज की गुहार लगाते रहे। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। भिंड जिला अस्पताल में लेबर रूम में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। महिला की मौत के बाद गर्भस्थ शिशु को निकाला गया। दरी बिछाने से वनवास तक शिवराज के 7 बयान। हाईकमान को क्या संदेश देना चाहते हैं पूर्व सीएम? अब तक तय नहीं भूमिका। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान की इस समय राजनीति गलियारों में बेहद चर्चा है। इंदौर में रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी में मर्डर। बजरंग दल कार्यकर्ता की श्वास नली तक घुसा चाकू। बजरंगियों ने धरना दिया। इंदौर में रणजीत हनुमान प्रभात फेरी में गुरुवार को एक बजरंग दल कार्यकर्ता का मर्डर हो गया। मुख्यमंत्री जी, अधूरे निर्माण कार्यों के सागर में आपका स्वागत। क्योंकि झील का काम 41 माह बाद भी पूरा नहीं। बस स्टैंड भी समय पर नहीं बने हैं। इस दौरान वे संभागीय समीक्षा बैठक लेंगे, साथ ही कुछ निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। मोहन अब प्रदेश के वीआईपी नंबर 1, शिवराज नंबर 5। पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने जारी की वीआईपी श्रेणी की नई लिस्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।